हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं अपने साथी अरविंद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पुनीत मोंगा विद अरविंद, मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दोस्तों विदाउट एटीएम कार्ड या विदाउट डेबिट कार्ड कैश कैसे विड्रॉ करते हैं वो सिखाऊंगा। तो आइए आप जल्दी से योनो एप्लीकेशन खोल लीजिए। और योनो एप्लीकेशन खोलते ही दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में बिल्कुल लिखा हुआ है योनो कैश। योनो कैश पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। योनो कैश बिल्कुल राइट साइड में ये के साथ जहां पर है उस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करते ही आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही यह एटीएम पर क्लिक करेंगे। और एटीएम पर क्लिक करने के बाद आप अपना अमाउंट डालिए, कितने अमाउंट आपने विड्रॉ करने हैं 500 के मल्टीपल में, यानी 500, 1000, 1500, 200। तो देखते हैं, मैं 2000 भर लेता हूं। और यहां पर अपना कोई भी चॉइस का पिन रख लीजिए 6 डिजिट्स का। तो यहां मैं रख लेता हूं 1122 33, आप जो मर्जी रख लीजिए। ये वैलिड थोड़ी देर के लिए ही होता है, हर बार नया पिन बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नीचे लिखा है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करना होगा, राइट बिल्कुल नीचे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद। और उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा बैंक की तरफ से, जो कि आपका 4 आवर्स तक वैलिड होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने एटीएम मशीन पर जाना है। तो दोस्तों एटीएम मशीन पर जाने से पहले आप अपना मोबाइल फोन ले जाइएगा जिस पर रेफरेंस नंबर आया होगा। तो चलते हैं एटीएम मशीन पर। तो यहां पर सबसे राइट साइड में दोस्तों देखिए योनो कैश जहां लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए योनो कैश, यहां क्लिक करते ही आपने वो रेफरेंस नंबर डालना है। प्लीज एंटर योर रेफरेंस ट्रांजेक्शन नंबर जो बैंक आपको भेजेगा। और यहां पर मैं वो रेफरेंस नंबर डाल देता हूं विदाउट एटीएम कार्ड। जी हाँ दोस्तों, मैंने कोई एटीएम कार्ड इंसर्ट नहीं किया है। और उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए रेफरेंस नंबर डालने के बाद। रेफरेंस नंबर डालते ही आपने अमाउंट डालनी है, जोन सी आपने योनो एप्लीकेशन पर आपने जो भी अमाउंट डाली थी कैश विड्रॉ करने के लिए वो अमाउंट डाल दीजिए। और उसके बाद यस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने 2000 डाली थी तो मैंने 2000 डालकर क्लिक कर दीजिए। 2000 डालकर क्लिक करके यस पर कंफर्म कर दीजिए। और इसके बाद आपको ये पिन मांगेगा, जोन सा आपने एटीएम मशीन पर पिन डालना है वो जो योनो एप्लीकेशन में आपने पिन बनाया था। और यहाँ पर मैं वो पिन डाल देता हूँ 1122 33 जो मैंने बनाया था। और उसके बाद कंफर्म। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए आपके सामने मैंने 2000 रुपीज डाले थे और ये आपके सामने विदाउट एटीएम कार्ड। देखिए जी हाँ दोस्तों, विदाउट एटीएम कार्ड 2000 रुपीज, विदाउट एटीएम कार्ड 2000 रुपीज मैंने विड्रॉ कर लिए हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी वे है, विदाउट एटीएम कार्ड हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं।